हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आटा जो है तरीके के साथ कैसे गूंदना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो है ये देखिए मेरी उंगलियाँ, उंगलियों में जो नाखून है ये आपके एकदम साफ़ होने चाहिए या फिर कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि जब हम आटा गूंदते हैं तो इसमें जो मैल होता है वो उसके अंदर जाने की संभावना होती है। दूसरा दोस्तों ये है पंच, और इस पंच की जो भूमिका है आटे गूंदने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ करना है वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं रोटी बनाना आटा गूंदना, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जी दोस्तों, मैंने परात के अंदर आटा ले लिया है और इसके अंदर चोकर भी मिक्स है। कभी भी अगर आप छान कर आटा लें तो चोकर को ज़रूर डाल लें, वो चोकर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब बात समझते हैं पानी की। तो जो पानी है आप गुनगुना गर्म पानी भी ले सकते हैं, उससे जो है आटा जो है सॉफ्ट तरीके से गूंदता है। अदरवाइज़ अब जो मौसम चल रहा है, मौसम में अब मौसम जो है गर्मियों का आ चुका है, तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं जो रूम टेम्परेचर के हिसाब से हो, तो वो वाला पानी भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हम आटे के अंदर नमक भी डाल सकते हैं, वो एक ऑप्शनल होता है। फिलहाल मैं नमक नहीं डालता हूं, तो मैं तो डालूंगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो अब ये जो पानी है इसको मैं इसमें डालूंगा। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो लोग पानी सीधा गिलास से डाल देते हैं और हाथ घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये मैं बिगनर के लिए बना रहा हूँ, तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए। अब वो अंदाज़ा कैसे है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, हाथ को लेना है, इस तरीके से हाथ की पोजीशन बनानी है। अब इसके अंदर जो है हमें पानी डालना है, तो ये पानी को हम इस तरह से छिड़क देंगे। ये सही अंदाजन होता है, तो तीन बार हम छिड़केंगे और उसके बाद जो है हम इसे राउंड राउंड घुमाएंगे। जब आप राउंड राउंड घुमाओगे तो इसमें गांठें बनने लगेंगी, आटा जो है अपने आप गांठों में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो इस प्रकार आपको करना है, ये देखिए। फिर से हम पानी लेंगे और इसके ऊपर छिड़केंगे, एक दो, और फिर से हम इसे घुमाएंगे। सबसे पहले हमें इसे घुमा घुमा कर जो है जितना भी सूखा आटा है उन सभी को जो है गांठों में कन्वर्ट करना है। कभी भी पानी एकदम ज़्यादा ना डालें, हमेशा इसी टेक्निक के साथ डालें, हाथ पे पानी रखकर और उसको ऊपर ऊपर छिड़कें। एकदम से पानी ना डालें क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि पानी गिलास में से कितना बाहर निकल रहा है, लेकिन आपके हाथ में जो हथेली में जो पानी होगा वो एक अंदाजन पानी होगा, ठीक पानी होगा उसकी जो कंडीशन है। तो फाइनली मैं फिर से इसे कर रहा हूँ, सूखा आटा जो है लगभग ख़त्म हो चुका है और इसने जो है गांठों में कन्वर्ट हो चुका है, ये देखिए। अब जो हमें करना है, अब हमें पंच को बंद करना है, मुट्ठी बंद करनी है, इस तरीके से खोल के बंद करनी है। तो ये देखिए, अब हमें इसे इस तरह से करना है और सारा का सारा आटा जो है एक तरह से डो बन जाएगा, एक बड़ा डो बन जाएगा। इस तरीके से हमें इसे गूंथना है, पंच को बंद करना है, खोल के बंद करना है। देखिए ध्यान से देखिए, अब हम इसके अंदर अभी पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा पानी लेंगे ताकि जो है अब हमें, अब हमारा जो काम है इसे सॉफ्ट बनाने का है। तो ये वही अंदाजन पानी लिया, छिड़क दिया, और अब इसको फिर से इसके ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखने के बाद अब हमें पंच का इस्तेमाल करना है इस तरीके से। ध्यान से देखिए, ये मेरा पंच है और इसको मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये आपको इसके चारों तरफ करना है। दोस्तों मन से खाना बनाएं तो तन को लगेगा, तो आराम आराम से बनाएं, तरीके से बनाएं। बाहर का खाना ना खाएं, मजबूरी हो तभी खाएं, अदरवाइज़ घर में बनाएं, साफ सफाई के साथ बनाएं, तो शरीर को भी लगता है और हेल्थ के लिए भी जो है काफ़ी बेनिफिट होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से पंच को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, और फिर जो है आपको पंच के साथ जो है
इसको ऊपर से नीचे दबाना है। तो अब ये जो आटा है ये गूंद चुका है, बहुत अच्छे तरीके से गूंद चुका है। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ, आपकी हथेली में जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स दब जाते हैं तो उससे जो है आपकी सेहत बनी रहती है ना। कितनी अच्छी बात कि आपके जो हाथों में जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स भी दब जाते हैं, जिससे आपके कई सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, एक तरह से जो है वो काफ़ी हेल्थी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये पंच जो है हमें इस्तेमाल करना है। अब लगभग लगभग हमारा जो आटा है वो तैयार हो चुका है, अब हम पानी फिर से लेंगे और इसके ऊपरी सतह पर डालेंगे ताकि हम आटे को और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर सकें, हमारी जो रोटी है वो सॉफ्ट बन सके। दोस्तों मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है रोटी राउंड शेप में, रोटी किस तरह से बनानी चाहिए तरीके के साथ, टिप्स के साथ, तो वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे रोटी बनाना सीखे वाला मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ से सारी वीडियोस मिल जाएगी कैसे सेकते हैं कैसे बनाते हैं, तो मैंने सब डिटेल में बनाया है, उस वीडियो को आप देखिए आप सीख जाओगे। तो फाइनली जो आटा है वो गूंद चुका है और बस अब इसमें थोड़ी सी मरम्मत है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इसको करना है, ये फाइनल हो चुका है। अब इसको एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि इसको गूंथने के बाद जो है ना आपको 5 से लेके 10 मिनट के लिए आपको इसे छोड़ना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आटा जो है सेट हो जाता है, फूल जाता है, पानी जो होता है वो अच्छे से आटे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। या तो आप इसे किसी स्टील के बर्तन से ढक के रख दीजिए या फिर जो है किसी सूती कपड़े से ढक कर रख दीजिए, तो 5 से 7 मिनट के अंदर जो है आटा आपका सेट हो जाएगा। अब एक ये तरीका है, अगर आप ऐसा तरीका रखते हैं तो इससे क्या है कि आप अलग अलग इसके डो बना सकते हैं इस तरीके से, अपने हिसाब से 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह से भी आप डो निकाल सकते हैं इसके, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जैसा आपको सुविधा लगे। तो फाइनली जो है आटा गूंद के तैयार हो चुका है, और सीखिए और घर पर बनाएं, बाहर का ज़्यादा ना खाएं, आपकी सेहत से जो है रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, औरों को भी सिखाइए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए आप चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं जो है आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस सीखते सिखाने से रिलेटेड लाता रहूँगा। तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।